प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार सने से आप लोग मेरे प्रोग्राम को, वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं पूरा मेरा प्रयास है कि आप लोग को कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों के तालमेल की का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। आज आप लोग के सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु ग्रह के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन आज गुरु ग्रह कुंडली के किस भाव में अधिक लाभ देता है, अधिक हानि देता है, क्या उन्नति देता का अनुन्नति देता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। मैं लग्न से लेके 12 भाव तक का प्रभाव बता रहा हूँ। जो आपको मालूम है कि गुरु एक राजा ग्रह है, गुरु एक प्रशासनिक ग्रह है, गुरु ऐसो सुख साधन सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है। जिस व्यक्ति के लग्न में गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, हड्डी शारीरिक रूप से हड्डी के रोग से परेशान रहते हैं और बुद्धि चलायवान होती है। जिस व्यक्ति के लग्न से दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग कभी आर्थिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, मानसिक परेशानी में रहते हैं, परिश्रम का सही लाभ नहीं मिलता है। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में गुरु बैठा हो, ऐसे लोग पूर्ण पराक्रमी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, कार्य करने की क्षमता होती है और ऐसे लोग को माता पिता भाई बंधुओं से अच्छा सहयोग मिलता है। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में गुरु बैठा हो, ये राजयोग कारक है, यह राजा के समान सुख देता है, ये प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, नेता बनाता है, विधायक बनाता है, संसद बनाता है, जीरो से हीरो बनाता है। जिसके कुंडली में लग्न से पाँचवें भाव में गुरु बैठा हो, ये पूर्ण विद्वान बनाता है, अच्छी शिक्षा देता है, ये दार्शनिक बनाता है, ये लेखक बनाता है, साहित्यकार बनाता है, कवि बनाता है और कलाकार बनाता है। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, शत्रुओं पर विजय करते हैं, कभी चरित्र खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाते। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में गुरु बैठा हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता, विवादाग्रस्त रहता है, कुंवारे लड़का लड़की की इच्छा अनुसार शादी नहीं होता है, मानसिक तनाव में रहते हैं और कभी भी ऐसे लोग पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहते। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग बीपी के रोग से, डायबिटीज के रोग से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग परिश्रम करते हैं, उसका सही लाभ नहीं मिलता है, अच्छी मेहनत करते हैं पर उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता है और जीवन में हमेशा इनके उतार चढ़ाव बना रहता है। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में गुरु बैठा हो, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, इनके पास जो भी धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है, ये अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, कभी किसी के मोहताज नहीं होते हैं, इनके पास अच्छी पद प्रशासनिक अधिकारी अच्छा पद पाते हैं, उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं और जीवन इनका पूर्ण सफल रहता है। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में गुरु बैठा हो, दोस्तों ऐसे लोग की ये कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, ऐसे लोग की उन्नति नहीं हो पाती है, ऐसे लोग जीवन में हमेशा मानसिक पीड़ा में रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्रहमय भाव में गुरु बैठा हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग लोहा मशीन जमीन गल्ले का व्यापार से धन कमाते हैं, ऐसे लोग के पास जीवन में जो भी धन दौलत रहता है वो स्वयं का बनाया हुआ रहता है, ऐसे लोग कभी जीवन में मोहताज नहीं होते हैं और विदेश भी जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में गुरु बैठा हुआ हो, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छा जाते हैं, इनके संतान योग होते हैं,
इनके संतान का अपना अनुसार रहते हैं, जीवन में इनके पास कभी भी गरीबी नहीं आती है। ऐसे लोग उदार, दयालु, धार्मिक विचार के होते हैं और जीवन इनका अंतिम समय तक सुखदायी रहता है। ये छोटा सा वीडियो गुरु कुंडली में किस किस भाव में क्या हान क्या लाभ देता है, ये आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सही कोशिश करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।